नमस्कार दोस्तों, मैं रुबीन ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हैबिट एजुकेशन में। तो आज हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.3 को करने जा रहे हैं। आई होप आपको 5.2 एक्सरसाइज क्लियर हो। ठीक है, तो इसमें हमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसमें हमें बोला है फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए इसको हम d अपॉन dx 2x प्लस 3y इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन x। तो इसको हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx 3y इज इक्वल टू d अपॉन dx sin of x। देखिए, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म और हमारे पास कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। तो ये बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और जैसे कि आपको पता है sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। तो इस तरह से dx upon dx ये हो गया 2 into 1 plus 3 dy upon dx is equal to cos x। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें निकालना है dy upon dx। तो इधर से dy को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, dy upon dx is equal to 3 times dy upon dx is equal to cos x, इसको उस साइड ले जाएंगे minus 2। तो यहां पे इससे आगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यदि 3 मल्टीप्लीकेशन है तो दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। जो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेना। तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन में भी हमें बोला गया है फाइंड dy अपॉन dx। तो क्या हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx 10x प्लस y। तो इसको सेपरेट कर लेंगे, d अपॉन dx एक्स वाई प्लस d अपॉन dx वाई स्क्वायर d अपॉन dx 10x प्लस d अपॉन dx y। तो देखिए, यहां पे हमारे पास दो फंक्शन कैसे हैं, प्रोडक्ट में है। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, वो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसी तरह से x हमारे पास यहां पे फर्स्ट फंक्शन है और y हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसी तरह से यह हमारे पास है
एक्स टू द पावर एन, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, क्या होगा टू वाई टू माइनस वन, ये तो होगी पावर वाली, अब होगी वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि देखिए जब हमारे पास होता था ऐसा x की पावर 2, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 dx अपॉन dx, तो ये कैंसिल हो जाता था, तो ये बन जाता था 1, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारे पास है y स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 y 2 माइनस 2 माइनस 1 और dy upon dx, x के केस में यहाँ पे dx upon dx बन जाता था, तो ये कैंसिल हो जाता था और डिफरेंशिएशन सिर्फ इतनी होती थी। लेकिन हमारे पास यहाँ है y square, तो ये क्या होगा इस तरह से 2y dy upon dx, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो गया 2y 2 minus 1 dy upon dx is equal to, tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, और हमारे पास ये रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो हम डी वाई वाली टर्म को एक साइड रखेंगे और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा वाई, तो डी वाई वाली टर्म को इधर लाते हैं, क्योंकि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इधर लिख लिया, अब ये वाली टर्म इधर है प्लस टू वाई dy upon dx, इसको इधर लाएंगे minus dy upon dx is equal to secant square x, जो ये वाली टर्म थी ये without dy upon dx वाली, तो ये उस साइड चलेगी, dx से dx कैंसिल, ये बच जाएगा y, तो इसको लिखेंगे minus y, तो फिर इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से dy upon dx कॉमन ले लेंगे। देखिए dy upon dx कॉमन ले लिया, इधर से dy upon dx तो बाहर आ गया, तो बच गया x plus इधर से 2y और इधर से बच गया minus 1 is equal to secant square x minus y, तो dy upon dx is equal to secant square x minus y upon x plus 2y minus 1, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम ही है, इसको आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81। तो इसमें भी हमें बोला है find out dy upon dx, तो हम क्या करेंगे, differentiate both sides with respect to x, तो dy upon dx x cube plus dx x square, sorry। तो इस question में हमें बोला है find out dy upon dx, तो हम क्या करेंगे, differentiate both sides with respect to x, तो क्या करेंगे d upon dx x cube plus d upon dx x square y plus d upon dx xy square plus d upon dx y cube is equal to d upon dx 81। तो देखिए इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहां पे लगेगा फॉर्मूला x टू द पावर n वाला, तो क्या होगा 3 पीछे आ जाएगा x टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इधर हमारा है ये वाला, सेकंड फंक्शन हमारा है y, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस, इधर भी हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3 पीछे आ जाएगा, 3 में से एक माइनस 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 81 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। तो यहां हम लिखेंगे 0। तो देखिए इधर इस साइड में से हम dy अपॉन dx वाली टर्म इस साइड रखेंगे और बाकी टर्म हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो dy अपॉन dx वाली ये वाली टर्म है तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस ये वाली छोटी से लिख लेते हैं, पहले इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस x, और y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2y dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर dx अपॉन dx 1 प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो हम dy अपॉन dx वाली टर्म इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 2xy और ये वाली टर्म बन जाएगी माइनस y स्क्वायर। तो इधर इस साइड में से हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, ये बच गया x स्क्वायर प्लस ये बच गया 2xy, तो ये हो गया 3y स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये अंदर बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, dy upon dx, तो ये वाली टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा dy upon dx is equal to minus 3x square plus 2xy plus y square is equal to, ये हो जाएगा x square plus 2xy plus 3y square, ये वाली टर्म उधर साइड जाएगी तो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, sin square y plus cos xy is equal to pi, तो हमें इसमें बोला है find dy upon dx, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, d upon dx sin square y plus d upon dx cos xy is equal to d upon dx pi। तो देखिए sin square x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा आएगा sin to the power मान लीजिए nx, n यहां पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, d upon dx, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी n हमारा पीछे आ जाएगा sin n minus 1 x, ये तो हो गई पावर की, तो होगी sin की, sin की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसको हम लिखेंगे d upon dx sin x, तो ये हो जाएगा n sin inverse sorry sin n minus 1 x, ये हो जाएगी sin x की क्या हो जाएगी cos x, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह अब देखिए हमारे पास क्या है, sin square x, sin square x इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 पीछे आ जाएगा sin 2 minus 1 x d upon dx
साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा टू साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस ऑफ एक्स, तो ये हमारी हो जाएगी डिफरेंशिएशन। इसी तरह से हम इसको यहां पे करेंगे, देखिए तो टू हमारा पीछे आ जाएगा, साइन टू माइनस वन हमारे पास है वाई, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन वाई प्लस, अब यहां पे देखिए कॉस एक्स वाई है, तो कॉस की डिफिनेशन क्या होती है, कॉस की डिफिनेशन होती है माइनस साइन एक्स वाई, ये तो हमने कॉस की कर ली, अब एक्स वाई की करनी है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, पाई एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा टू साइन वाई, साइन वाई की डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस वाई, कॉस वाई, साइन की तो कर ली लेकिन वाई की करनी है, तो हम क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखिए ये तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, अब हम एक्स वाई की डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स वाई हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो वो क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू साइन वाई कॉस वाई, हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं इस तरह से साइन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स की डिफरेंशिएशन वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमारा आंसर अभी नहीं है साइन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब हम इसको अंदर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस साइन बाहर ले लिया हमने, ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए हम इस साइड से dy upon dx इस साइड रखेंगे बाकी दूसरी टर्म अपोजिट साइड ले जाएंगे, ये बनेगा sin 2y dy upon dx minus x sin xy dy upon dx, ये वाली टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा y sin xy dy upon dx कॉमन ले लीजिए ये बच जाएगा sin 2y, यहां से dy upon dx कॉमन लिया तो बच गया 2y, और यहां से dy upon dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस x sin xy इज इक्वल टू y sin xy, तो dy upon dx क्या आएगा हमारे पास y sin xy, ये वाली टर्म दूसरी साइड चली जाएगी तो डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये बनेगा sin 2y minus x sin xy, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर, तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद कर लें, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक इनको करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूलाज मैं आपको बता दूंगा तो आप उनको कॉपी कर लेना, तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 से 15 है इसमें जो ये इनवर्स फंक्शन आ रहा है जैसे कि साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स कॉस इनवर्स, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन पहले आपको समझाने के लिए करेंगे, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, मान लीजिए
ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हमें बोला है कि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए मान अब हम इसको साइन को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, साइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा d अपॉन dx sin y इज इक्वल टू tx अपॉन dx, तो ये क्या बन जाएगा, sin की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos y, y की dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y, बट ये तो हमारी डिफरेंशिएशन आ गई dy अपॉन dx, लेकिन क्वेश्चन तो हमें इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारे पास दिया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos ऑफ y, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर y, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए यहां से इस वाले क्वेश्चन से देखिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है, चलो पहले ये लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin y का cos स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस, अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है sin इनवर्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं sin sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है जब ऐसा कोई आए तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस साइड हमारे पास है cos स्क्वायर y, तो y हम दूसरी साइड ले जाएंगे, सॉरी ये स्क्वायर में तो पल्ली साइड अंडर रूट करेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड अंडर रूट कर लिया तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये हमारे पास आती है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आती है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन। उसी तरह से हमारे पास होती है कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन, टैन इनवर्स एक्स, सेकंट इनवर्स एक्स, तो वो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे। तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे, एक बार इनको ध्यान से देख लें। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूला जो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है करने को, अब हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग वे भी हम कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। तो पहले फॉर्मूले से देख लें एक बार, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला यहां हम यूज कर सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट कर लें, इसमें x इज इक्वल टू 10 थीटा पुट कर लें, हाँ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने को बोला है dy अपॉन dx, x को हम 10 थीटा पुट कर लें तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये हमारा किसके इक्वल बन रहा है, sin 2 थीटा के इक्वल बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो वाई आ गया
टू थीटा, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू टू थीटा आ गया हमारे पास। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं। तो वहां पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx टू टेन इनवर्स x, टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स x की डिफिनेशन क्या होती है, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो होती है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये भी इसी तरह से हो जाएंगे। तो ये आपको एज अ टास्क है। तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं उनमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स ऑफ स्क्वेयर। देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये तो इसके इक्वल बन रहा है लेकिन बाहर है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम कैसे करेंगे। और जो हमारा कॉस वाला फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का, वो क्या था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू टेन थीटा डालेंगे तो वो तो साइन वाला बन रहा है, ऐसा तो हमारे पास बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा बन रहा है ये हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, थीटा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, बट कोऑर्डिनेट में आपको पता है कैसे चेंज होता है, पाई और सॉरी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहां पे अप्लाई करें साइन पाई माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए कॉस पाई माइनस टू थीटा, कॉस पाई माइनस टू थीटा, पाई पाई ये हो गया, पाई में से हम पीछे जा रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, ये क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। तो हमारा कॉस पाई माइनस टू थीटा साइन टू थीटा के इक्वल हो सकता है। तो टू साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस पाई माइनस टू थीटा। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस टू थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा आ गया, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx पाई माइनस टू थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो यहां से जाएगी थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dx, ये सब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाई टू टेन इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए डी पाई अपॉन डी एक्स माइनस टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, पाई कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी जीरो, माइनस टू कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन बाहर है, तो डी टेन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो फाइनल आंसर है माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। देखिए तो इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, देखिए अगर हम यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे क्या करेंगे, sin थीटा पुट कीजिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos x आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा, सॉरी जो यहां पे x है इसमें भी हमें साइन थीटा पुट करना होगा, ये साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल बन रही है, cos थीटा की, तो क्या लिखेंगे cos थीटा। तो देखिए ये किसके इक्वल बन रहा है 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा हमारा होता है 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 d अपॉन dx साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स की x की डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होती है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको एज अ टास्क है, ठीक है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गई है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।